हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जस्टिफाई कंटेंट। तो अभी हम लोग जानेंगे जस्टिफाई कंटेंट के बारे में, एक एक चीज़ जानेंगे, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे। तो याद करें तो पिछले वीडियो में हम लोग फ्लेक्सबॉक्स के बारे में सीख रहे थे। फ्लेक्सबॉक्स का बहुत सारा हम लोग प्रॉपर्टी सीखे, जैसे पहला तो एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। इसके बाद हम लोग क्या क्या सीखे, इसके बाद हम लोग सीखे थे फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी के बारे में। क्यों यूज करते हैं हम लोग, यूज करते हैं जो अपना आइटम्स है इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, या रेदर टू से हम लोग फ्लेक्स कंटेनर का डायरेक्शन चेंज करते थे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी के बारे में। सही है ना, तो इतना चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो इस वीडियो में चलने से पहले एक आपको एक और चीज़ बताते हैं, जो अभी हम लोग देखे थे ना फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप, इसके लिए एक हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कौन सा? फ्लेक्स फ्लो नाम का एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ओके, जो फ्लेक्स फ्लो है, जो प्रॉपर्टी है फ्लेक्स फ्लो, इसका डिफॉल्ट क्या होता है वैल्यू? इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है रो और नो रैप। तो चलिए देखते हैं कैसे फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, और उसके बाद हम लोग आएंगे अपने जस्टिफाई कंटेंट के ऊपर। सही है, तो इसके लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा अपने VS कोड के अंदर। तो चलिए हम आ गए अपने VS कोड के अंदर। क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं lecture25.html के नाम से .html। और हम क्या करते हैं, जो पिछले वाले लेक्चर का था इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं और इसी के ऊपर सारा ऑपरेशंस लगाना शुरू करते हैं। ओके, हमारा कोड आ गया। हम क्या करते हैं, एक बार गो लाइव कर लेते हैं। ओके, गो लाइव कर लिए, इतना अपना कोड दिख रहा है, इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। चलिए इतना कर लिए। अब हम किसका बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी का। तो देखिए फ्लेक्स फ्लो क्या होता है, एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है किसके लिए, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप का। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी किसका देंगे हम, फ्लेक्स डायरेक्शन का। तो क्या हम चाहते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, तो चलिए हम लोग डिफॉल्ट का बात करते हैं। तो डिफॉल्ट फ्लो जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, फ्लेक्स का रो होता है, और फ्लेक्स रैप का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, नो रैप होता है। सही है, तो इतना हम कर दिए। अब देखिए सपोज हम चाहते हैं अपना फ्लेक्स डायरेक्शन का जो डायरेक्शन है रो ही रहे, इसको रैप करना चाहते हैं, फ्लेक्स जो रैप है उस प्रॉपर्टी को हम रैप सेट करना चाहते हैं। ओके सॉरी माई मिस्टेक, इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं और देखिए यहाँ पर रैप सेट हो गया। सही है, पहले से क्या वैल्यू था, नो रैप था। देखिए नो रैप करने पर डिफ़ॉल्ट अपना ओरिएंटेशन में आ गया। तो आप लोगों को फ्लेक्स फ्लो तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अपने लेक्चर्स पे चलते हैं, अपने PPT पे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए अपना शुरू करते हैं जस्टिफाई कंटेंट से। ओके, तो अपना जस्टिफाई कंटेंट क्या बोलता है, जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी अलाइन द फ्लेक्सिबल कंटेनर आइटम When the item don't use all the available space on the main axis, or horizontal. Keep in mind that the flex direction is default. If the flex direction is changed, then the main axis will change accordingly. तो इसमें क्या क्या चीज़ ध्यान देने वाली है, तो देखिए justify content क्या बोलता है, अगर आपका container है और इस container में बहुत सारे elements पड़े हैं या items पड़े हैं, और यह जो item है जो यहाँ पे अवेलेबल स्पेस है अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको अच्छे से यूज करने के लिए हम लोग जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब कैसे इसको अच्छे से अरेंज करेंगे अभी देखेंगे थोड़ी देर में। और जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, कैसे आइटम्स को प्लेस करता है, मेन एक्सिस के ऊपर जो भी ऑपरेशन लगेगा सारा ऑपरेशन मेन एक्सिस के ऊपर लगेगा। क्या बात कर रहे हैं अभी देखिएगा, देखिए और यहाँ पर क्या बोला, जो भी अवेलेबल स्पेस मेन एक्सिस को ऊपर है उसके ऊपर अपना जस्टिफाई कंटेंट काम करेगा। तो एक चीज़ और हम लोग ध्यान रखेंगे, जब भी मेन एक्सिस के ऊपर कोई भी अलाइनमेंट करना है, कोई भी चीज़ को अरेंज करना है, तभी जस्टिफाई कंटेंट को यूज करेंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट को दिमाग में डाल लीजिए, मेन एक्सिस, इतना बात आप लोग क्लियर रखिए। ओके, इतना बात क्लियर है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए जस्टिफाई कंटेंट जो है, जो अपना प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट, जो कि एक फ्लेक्स कंटेनर का प्रॉपर्टी है, इसका बहुत सारा वैल्यू है। कौन कौन सा वैल्यू है, तो देखिए पहला वैल्यू है फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर,
स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड एंड स्पेस इवेनली। तो इतना अगर हम देखें तो 6 प्रॉपर्टी है। तो चलिए एक एक करके 6 प्रॉपर्टी के बारे में पहले पढ़ते हैं और फिर इसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस है लगा के देखेंगे। तो देखिए फ्लेक्स स्टार्ट जो होता है डिफॉल्ट वैल्यू होता है, आइटम और पोजीशन एट द बिगनिंग ऑफ द कंटेनर। फ्लेक्स स्टार्ट क्या होता है, एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है जो जस्टिफाई कंटेंट है, इसका एक वैल्यू होता है फ्लेक्स स्टार्ट और डिफॉल्ट वैल्यू होता है। इसमें क्या होता है, जो आइटम्स होता है सब बिगनिंग में जो कंटेनर के स्टार्ट में प्लेस्ड रहता है। ओके, दूसरा अपना प्रॉपर्टी क्या है, फ्लेक्स एंड। इसमें क्या होता है, आइटम आर पोजिशनड एट द एंड ऑफ द कंटेनर। इसमें क्या होगा, जो भी आइटम होगा कंटेनर के एंड में जाके प्लेस हो जाएगा। सही है, ओके। तीसरा अपना प्रॉपर्टी क्या है, सेंटर। सेंटर में क्या होगा, आइटम आर पोजिशनड इन द सेंटर ऑफ कंटेनर। जो भी अपना कंटेनर है इसके सेंटर में आइटम आके प्लेस हो जाएगा। सही है, ओके। इसके बाद है अपना स्पेस बिटवीन। इसमें क्या होता है, आइटम विल हैव स्पेस बिटवीन देम। अब देखिए क्या होता था, अभी तक जो देखे थे अपना आइटम ऐसे स्टिच रहता था, और जब स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो आइटम्स के बीच में स्पेसेस आ जाएंगे। सही है, अब देखिए स्पेस अराउंड क्या करता है, आइटम विल हैव स्पेस बिफोर बिटवीन एंड आफ्टर देम। अब स्पेस अराउंड में क्या होगा, आइटम के चारों तरफ स्पेस आएगा। सही है, यहाँ पे देखिए स्पेस बिटवीन क्या हो रहा था, सिर्फ बीच में स्पेस आ रहा था आइटम के, लेकिन स्पेस अराउंड में चारों तरफ आइटम के चारों तरफ स्पेसेस आएंगे। अब लास्ट प्रॉपर्टी है अपना स्पेस इवेनली। इसमें क्या होता है, आइटम विल हैव इक्वल स्पेस अराउंड देम। इसमें क्या होता है, हर एक आइटम को एक इक्वल स्पेस मिलेगा। तो चलिए 6 प्रॉपर्टी को यूज करके और देखते हैं कैसे कैसे काम करता है। तो पहला अपना देखिए जस्टिफाई कंटेंट है, यहाँ पे हम लोग बाद में आएंगे, एक बार चलते हैं VS कोड में और सब कुछ को सारा जो भी प्रॉपर्टी है सबको अप्लाई करते हैं और एक एक करके देखते हैं। ओके, आ गया अपना VS कोड, आ गया अपना क्रोम ब्राउजर। तो क्या था अपना प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी था जस्टिफाई कंटेंट। ओके, जस्टिफाई कंटेंट का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था, फ्लेक्स स्टार्ट। देखिए फ्लेक्स स्टार्ट से क्या हुआ, जैसे था ऐसे ही एलिमेंट है, स्टार्टिंग में अपना सारा एलिमेंट, यहाँ पे देखिए सारा एलिमेंट स्टार्टिंग में अलाइन है। अब क्या करते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट को अपने दूसरे वैल्यू में चेंज करते हैं। कौन सा अपना दूसरा वैल्यू, फ्लेक्स एंड। सही है, तो चलिए फ्लेक्स एंड करके देखते हैं क्या होता है। अब देखिए आइटम्स क्या हुआ, जो भी कंटेनर है, देखिए यहाँ पर आइटम का जो ऑर्डर है, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, ऑर्डर सही है, लेकिन जो भी आइटम था क्या हुआ, फ्लेक्स जो कंटेनर है इसके एंड में जाके प्लेस हो गया सारा आइटम। दिख रहा है आप लोगों को, सारा आइटम एंड में प्लेस हो गया। ओके, बढ़िया। अब तीसरा प्रॉपर्टी अपना क्या था, सेंटर। सेंटर से क्या होगा, देखिए जैसे ही सेंटर किए अपना आइटम्स क्या हुआ, सेंटर में जाके प्लेस हो गया। दोनों तरफ से यहाँ से देखिए इक्वल स्पेस इसको मिल गया और अपना जो भी आइटम था सेंटर में जाके प्लेस हो गया। इतना बात आप लोगों को क्लियर है, इतना तक कोई डाउट नहीं। और देखिए जो भी जो काम हो रहा है इसको ध्यान से देखिए, मेन एक्सिस को ऊपर काम चल रहा है, मेन एक्सिस में पहले लास्ट में गया, अभी सेंटर में आया और शुरू में था। जो भी काम हो रहा है, जो भी आइटम्स, जो भी ऑपरेशन लग रहे हैं, सब मेन एक्सिस के ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं। सही है, अब देखिए सेंटर के बाद क्या था अपना, स्पेस बिटवीन था और स्पेस अराउंड था। पहले स्पेस अराउंड देखते हैं, चलिए स्पेस बिटवीन देख लेते हैं। स्पेस बिटवीन क्या हुआ, देखिए जो भी है अपना आइटम्स उसके बीच में स्पेस आया। यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, अपना आइटम्स के बीच में स्पेस आया, नाम से भी पता चल रहा है स्पेस बिटवीन। तो यहाँ पे जो भी आइटम है उसके बीच में स्पेस आ गया है। ओके, अब यहाँ पे अपना जो चौथा प्रॉपर्टी था या पांचवा प्रॉपर्टी क्या था, स्पेस अराउंड। तो चलिए देखते हैं स्पेस अराउंड को लगा के क्या होता है। तो यहाँ पे हम लगाएं स्पेस अराउंड, देखिए इससे क्या हुआ, जो अपने आइटम है इसके चारों तरफ स्पेस आ गया। अब देखिए कैसा स्पेस आया, यहाँ पे देखिए और इस स्पेस को नोटिस कीजिए, देख रहे हैं ना दोनों का साइज इक्वल नहीं है, स्पेस तो आ गया है इसके चारों तरफ। अब देखिए क्या हुआ होगा, लेट्स से एक एग्जांपल से इसको यहाँ पे समझते हैं। लेट्स से यहाँ पे 5 पिक्सल स्पेस आया होगा, तो स्पेस अराउंड क्या बोलता है, चारों तरफ से इसको 5 पिक्सल स्पेस दो, और अगर बात कर ले प्रिसाइजली तो मेन एक्सिस पर इसको जो दोनों तरफ है स्पेस जो इसके अराउंड में 5-5 पिक्सल के आप दीजिए। अभी सपोज कर रहे हैं 5 पिक्सल का स्पेस हुआ, तो यहाँ भी 5 पिक्सल का स्पेस आया होगा, और इधर से भी इस बॉक्स जो ये आइटम होगा ये भी तो 5 पिक्सल का स्पेस लिया होगा यहाँ पे। सही है,
यहाँ पे ओके, इसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन, थोड़ा सा कलर, ओके सही है इतना, सॉरी ओके। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 5 पिक्सल का इधर से भी स्पेस लिया होगा, 5 पिक्सल का इधर से भी स्पेस लिया होगा, ऐसे ही इस केस में हुआ होगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, स्पेस अराउंड, जो भी अपना आइटम है इसके अराउंड एक स्पेस आ जाता है, जो डिफ़ॉल्ट स्पेस आता है उसमें हम लोग चेंजेस नहीं करते हैं, सही है। अब देखिए लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी है स्पेस इवेंटली, अब इसमें कन्फ्यूजन होता है स्पेस इवेंटली और स्पेस अराउंड में। स्पेस इवेंटली में क्या हुआ, देखिए अगर इस कंटेनर को, इस आइटम को यहाँ पे 5 पिक्सल का स्पेस मिला है तो यहाँ भी 5 पिक्सल का ही स्पेस है, और यहाँ भी 5 पिक्सल का ही स्पेस है, और यहाँ भी 5 पिक्सल का स्पेस है, और यहाँ भी 5 पिक्सल का स्पेस है। तो स्पेस इवेंटली और स्पेस अराउंड में क्लियर हो गए। स्पेस अराउंड में क्या होता है, चारों तरफ से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस मिल जाता है, लेकिन स्पेस इवेंटली में क्या होता है, इक्वल स्पेस मिलता है दोनों ही डायरेक्शन में मेन एक्सिस के ऊपर। क्या इतना बात आप लोगों को क्लियर है, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके चलिए हम लोग चलते हैं, कहाँ अपने, हम लोग चलते हैं अपने पीपीटी के ऊपर, यहाँ रहा अपना पीपीटी। ओके तो देखिए पहला क्या है, पहला जो है फ्लेक्स स्टार्ट, जो डिफ़ॉल्ट ऐसा दिखता है, अपना जो भी आइटम होता है कंटेनर के स्टार्ट में पड़ा हुआ रहता है। दूसरा वैल्यू क्या है, फ्लेक्स एंड, इसमें क्या होता है अपना आइटम कंटेनर के एंड में पड़ा हुआ रहता है। ऐसे ही अपना तीसरा वैल्यू है क्या, सेंटर है, इसमें क्या होता है अपना आइटम सेंटर में आ जाता है, कंटेनर के सेंटर में, सही है। अब क्या है अपना, है स्पेस अराउंड, इसमें क्या होता है आइटम के जो अगल बगल है इसके अगल बगल में स्पेस आ जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कम स्पेस आया है और यहाँ पे ज़्यादा स्पेस आया है, लेकिन स्पेस आ गया है। ओके अब क्या होता है, स्पेस बिटवीन क्या होता है, इसके बीच में कुछ स्पेस आ जाते हैं, जो आइटम्स हैं इनके बीच में कुछ स्पेस आ जाते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी अपना क्या है, स्पेस इवेंटली, इसमें क्या होता है इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस आता है आइटम्स के अगल बगल में। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्या है, आगे अपना है अलाइन आइटम प्रॉपर्टी। अब चलिए पढ़ते हैं अलाइन आइटम प्रॉपर्टी के बारे में, देखते हैं क्या क्या होता है अलाइन आइटम से। तो देखिए डिफाइंड हाउ फ्लेक्स बॉक्स आइटम आर अलाइंड अकॉर्डिंग टू द क्रॉस एक्सेस, यहाँ पे फोकस कीजिए, विद इन अ लाइन ऑफ फ्लेक्स कंटेनर, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अलाइन आइटम कीप इन माइंड दैट वी आर वर्किंग अलोंग द क्रॉस एक्सेस जनरली वर्टिकल इफ फ्लेक्स डायरेक्शन इज नॉट चेंज। अब देखिए जो अलाइन आइटम प्रॉपर्टी है यह क्या करता है, आपके जो आइटम्स हैं फ्लेक्स आइटम, इसको क्रॉस एक्सिस के ऊपर अलाइन करने में हेल्प करता है, क्रॉस एक्सिस के ऊपर प्लेस करने में हेल्प करता है। कौन सा प्रॉपर्टी अपना, अलाइन आइटम प्रॉपर्टी। डिफॉल्ट क्या होता है अपना क्रॉस एक्सिस, वर्टिकल होता है, सही है, मेन एक्सिस यहाँ पे अपना हॉरिजॉन्टल होगा। तो चलिए देखते हैं इसका जो अपना अलाइन आइटम है इस प्रॉपर्टी का कौन कौन सा वैल्यू है। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 5 वैल्यू है। पहला वैल्यू क्या है, स्ट्रेच, जो कि एक डिफॉल्ट वैल्यू होता है, इट इज डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अलाइन आइटम, आइटम आर स्ट्रेच टू फिट द कंटेनर। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेच वैल्यू है इसके ऊपर एक कन्फ्यूजन भी होता है, यहाँ पे 2 वैल्यू होता है जो डिफॉल्ट होता है, एक तो होता है ऑटो और दूसरा होता है स्ट्रेच, तो कोई भी अप्लाई रहता है डिफॉल्ट में, या तो स्ट्रेच रहता है या तो ऑटो होता है, मोस्ट प्रोबेबली ऑटो रहता है, अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। दूसरा वैल्यू अपना क्या है, सेंटर, इसमें क्या होता है आइटम आर पोजिशन एट द सेंटर ऑफ द कंटेनर, इसमें क्या होता है जो भी आइटम होता है उसको हम लोग कंटेनर के सेंटर में डाल देते हैं, सही है। अब देखिए फ्लेक्स स्टार्ट में क्या होता है, जो भी आइटम है सब बिगिनिंग जो कंटेनर का है कंटेनर का स्टार्ट में चला जाएगा, फ्लेक्स एंड में क्या होगा कंटेनर के एंड में चला जाएगा आइटम, और बेसलाइन में क्या होगा आइटम और पोजीशन एट द बेसलाइन ऑफ कंटेनर। अब भैया बेसलाइन क्या होता है, फ्लेक्स एंड में भी तो समझ में आ रहा है ठीक है कंटेनर के एंड में होगा आइटम, स्टार्ट में होगा, सेंटर से भी समझ में आ रहा है सेंटर में होगा, बेसलाइन क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बताएंगे बेसलाइन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अपना क्या है। तो क्या आगे अपना सारा जो भी वैल्यू है अप्लाई करके देखा गया, तो चलिए हम भी चलते हैं अपने VS कोड में और अलाइन आइटम वाले प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। क्या किए हैं, ओके इसको हम करते हैं कमेंट आउट,
सही है, इसको क्या कमेंट आउट। अब हम लगाते हैं अपना अलाइन आइटम वाला प्रॉपर्टी। चलिए लगाते हैं अलाइन आइटम्स वाला प्रॉपर्टी। और पहला प्रॉपर्टी अपना कौन था? पहला प्रॉपर्टी था अपना स्ट्रेच। और आपको याद होगा तो देखिए स्ट्रेच किए जैसा है ऐसा ही दिख रहा है। हम एक और चीज़ बताए थे, एक होता ऑटो, ऑटो में भी देखिए ऐसा ही रहता है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू दोनों ही रहता है। लेट से अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? स्ट्रेच। तो आप लोग को स्ट्रेच के बारे में क्लियर हो गया। सेकेंड वैल्यू अपना क्या था? सेकेंड वैल्यू था अपना सेंटर। सेंटर होते ही देखिए इस बार, देखिए इस बार क्या कहानी हुआ। अब इसको ध्यान से आप देखिए, इस बार जो था पहले सेंटर करने से क्या होता था, मेन एक्सिस के सेंटर में एलिमेंट्स आके प्लेस होता था। आप देखिए जब इस बार हम सेंटर किए क्या हुआ, क्रॉस एक्सिस के बीच में आके एलिमेंट्स प्लेस हुआ है, क्रॉस एक्सिस के सेंटर में, मेन एक्सिस के सेंटर में नहीं, क्रॉस एक्सिस के सेंटर में आया एलिमेंट, दिख रहा है आपको? तो एक चीज़ क्या क्लियर रखिएगा, अलाइन आइटम क्रॉस एक्सिस के ऊपर काम करता है। और जस्ट और जो अपना जो पीछे था, क्या था अपना पीछे, जस्टिफाई कंटेंट जो था किसके ऊपर काम करता है, जस्टिफाई कंटेंट अपना मेन एक्सिस के ऊपर काम करता है। इतना हम लोग क्लियर रखेंगे। ओके तो हम लोग सेंटर का बात कर लिए, अब किसका बात करते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड का बात करते हैं। तो चलिए पहले फ्लेक्स स्टार्ट देखते हैं फिर एंड देखते हैं। ओके इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं फ्लेक्स स्टार्ट में क्या होता है। फ्लेक्स स्टार्ट में क्या होता है, देखिए सारा आइटम क्रॉस एक्सिस के ऊपर स्टार्ट में गया। देखिए क्रॉस एक्सिस स्टार्ट कहाँ से होगा, जो अभी डिफॉल्ट है तो ऑब्वियसली क्रॉस एक्सिस यहाँ से अपना स्टार्ट हो रहा होगा और एंड यहाँ पे हो रहा होगा। देखिए सारा आइटम क्रॉस एक्सिस के स्टार्ट में चला गया। अब जैसे ही फ्लेक्स एंड करेंगे सारा आइटम क्या होगा, क्रॉस एक्सिस के एंड पे चलाएगा। तो चलिए फ्लेक्स एंड करके देखते हैं क्या होता है। इसको करते हैं हम लोग फ्लेक्स एंड, सॉरी ये फ्लेक्स एंड। अब देखिए सारा आइटम क्या हुआ, फ्लेक्स जो है जो क्रॉस एक्सिस है उसके एंड में आ गया, सही है। अब यहाँ पे अपना जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेस लाइन। अब भैया बेस लाइन क्या हुआ, बेस लाइन और फ्लेक्स स्टार्ट में तो कोई अंतर ही नहीं है, बोलिएगा बेस लाइन में तो सब सेम ही सेम आ रहा है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं बेस लाइन में हुआ क्या है। अभी आपको सेम दिख रहा है ना सब, ओके हम क्या करते हैं, एक जो अपना आइटम है लेट्स से आइटम टू, इसका हम फॉन्ट स्टाइल को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, इसको एक आईडी देते हैं लेट्स से आइटम टू, और हम अपने आइटम टू जो आईडी है इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। आइटम टू आईडी के ऊपर क्या चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज जो है इसको लेट से हम कर देते हैं लार्जर। ओके उतना बड़ा तो नहीं हुआ, हम क्या करते हैं इसको पिक्सल्स में वैल्यू देते हैं और लेट से हम इसको 25 पिक्सल देके देखते हैं वैल्यू। ओके थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, इसको कहते हैं लेट से 30 लेट से 30 पिक्सल। अब देखिए इतना बड़ा हो गया ना अपना वैल्यू। अब देखिए बेसलाइन क्या बोलता है, जो भी अपना जो देखिए बॉक्स है, अब आपको दिख रहा होगा देखिए यही यहाँ पे बेसलाइन में, देखिए फ्लेक्स स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं इससे कुछ, देखिए क्या होगा फ्लेक्स स्टार्ट हम करते हैं कि हम फ्लेक्स स्टार्ट, देखिए सारा आइटम ऊपर शिफ्ट हो गया, जो भी आइटम है फ्लेक्स के जो भी है क्रॉस एक्सिस के स्टार्ट में चला गया। लेकिन बेसलाइन के क्या केस में हो रहा, बेसलाइन के केस में सारा जो आइटम है जो अपना टेक्स्ट है उसके बेसलाइन में आ जा रहा है। अब इसका क्या मतलब, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिए और देखिए जो फॉन्ट जो है सब एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। सारा जो फॉन्ट है एक ही बेस लाइन के ऊपर आ गया, इसी ओरिएंटेशन को हम लोग बोलते हैं बेस लाइन ओरिएंटेशन। देखिए सारा फॉन्ट एक ही लाइन के ऊपर आपको दिखेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं बेस लाइन ओरिएंटेशन। तो होपफुली अलाइन आइटम का बेस लाइन प्रॉपर्टी भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। तो चलिए अपने PPT के ऊपर और हम लोग देखते हैं क्या क्या है देखने के लिए। आगे अपने PPT के ऊपर पहला प्रॉपर्टी क्या किया, स्ट्रेच लगाया जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है तो ऐसा दिख रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी सेंटर लगाया, सारा आइटम जो अपना क्रॉस एक्सिस था इसके सेंटर में आ गया, सही है। तीसरा प्रॉपर्टी अपना फ्लेक्स स्टार्ट लगाया, क्या हुआ अपना क्रॉस एक्सिस के स्टार्ट में आ गया सारा आइटम्स। ओके अपना जो चौथा प्रॉपर्टी था क्या, फ्लेक्स एंड क्या हुआ, इसमें आइटम सारा क्रॉस एक्सिस के एंड में आ गया,
अब तीसरा जो था अपना बेस लाइन क्या हुआ, यहाँ पे जो आइटम है सबका जो बेसिस है, जो फॉन्ट का बेसिस है, एक लाइन में आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग बेस लाइन। अब देखिए यहाँ पे पढ़ भी लीजिए क्या बोलता है बेस लाइन। बेस लाइन वैल्यू ऑफ अलाइन आइटम लुक सिमिलर टू फ्लेक्स स्टार्ट। बेस लाइन क्या होता है, फ्लेक्स स्टार्ट की तरह दिखता है, बट हेयर इफ वी चेंज इन फ्लेक्स आइटम फॉन्ट साइज वी कैन सी द डिफरेंस। देखिए जब ये हम फ्लेक्स आइटम का फॉन्ट साइज किए हैं, चेंज किए हैं, तो हम लोग को यहाँ पर डिफरेंस दिखने लगा। हेयर वी कैन सी दैट ऑल द टेक्स्ट बेस हैज अलाइन इन सेम लाइन। जो भी है अपना टेक्स्ट सबका बेस एक ही लाइन में अलाइन हो गया। तो आप लोग को अलाइन आइटम भी क्लियर होगा। फिर से आपको बताते हैं, जस्टिफाई कंटेंट कहाँ लगाते हैं, मेन एक्सिस के ऊपर लगाते हैं जेसी, और अलाइन आइटम जो है AI कहाँ पे लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं क्रॉस एक्सिस के ऊपर। इसको मेन एक्सिस और इसको क्रॉस एक्सिस याद रखिएगा अच्छे से, सही है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था अपना अलाइन आइटम, और यहाँ पे एक और मिलते जुलते प्रॉपर्टी क्या है, अलाइन कंटेंट। तो चलिए अलाइन कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं। द अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ फ्लेक्स लाइन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द क्रॉस एक्सिस इन फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। अब बोलिएगा भैया अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट तो ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, तो अभी बताते हैं, ऑलमोस्ट सेम नहीं है। अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम में एक बार अलाइन कंटेंट को पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस किए होंगे तो यहाँ पे देखिए हाउ फ्लेक्स लाइन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे किसका बात होता है, यहाँ पे बात होता है फ्लेक्स लाइन का, और अलाइन आइटम्स में हम लोग आइटम्स के बारे में बात करते हैं। देखिए हम लोग अलाइन आइटम्स में बात करते हैं, सॉरी आइटम्स का स्पेलिंग गलती लिख रहे हैं, अलाइन आइटम्स में हम बात करते हैं आइटम्स को कैसे हम लोग जो अपना क्रॉस एक्सिस है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें, और अलाइन कंटेंट में हम फ्लेक्स लाइन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो अपना क्रॉस एक्सिस के ऊपर इसके बात करते हैं। आप बोलिएगा भैया फ्लेक्स लाइन क्या है, फ्लेक्स आइटम तो समझ रहे हैं, फ्लेक्स लाइन क्या है, और दोनों में डिफरेंस बताइए थोड़ा। तो हम क्या करते हैं, पहले अलाइन कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में जानेंगे, सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो अपना पहला प्रॉपर्टी है अलाइन कंटेंट का क्या है, स्ट्रेच। अब जो स्ट्रेच होता है डिफॉल्ट वैल्यू होता है, इसमें क्या होता है लाइन स्ट्रेच टू टेक अप द रिमेनिंग स्पेस। इसमें क्या होता है जो फ्लेक्स लाइन्स है स्ट्रेच करता है पूरा स्पेस लेने के लिए। दूसरा अपना वैल्यू क्या है, सेंटर। सेंटर से क्या होता है लाइन आर पैक्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ फ्लेक्स कंटेनर। इसमें क्या होता है जो भी है अपना फ्लेक्स आइटम सेंटर में आ जाता है। तीसरा अपना वैल्यू है फ्लेक्स स्टार्ट, और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए लाइन्स का बात हो रहा है, ओके। अब लाइन्स क्या होता है हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है लाइन्स आर पैक टुवर्ड द स्टार्ट ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। यहाँ पे क्या होता है जो भी लाइन्स है फ्लेक्स लाइन सब स्टार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, एंड में क्या होता होगा सारा एंड में आ जाता होगा। स्पेस बिटवीन में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे जो जस्टिफाई कंटेंट पर रहते हैं उसमें क्या होता है मेन एक्सिस के ऊपर हम स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अलाइन कंटेंट से हम क्या कर सकते हैं हम क्रॉस एक्सिस के ऊपर स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा लाइन्स आर इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्लेक्स कंटेनर। यहाँ पे इवेनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, अराउंड बिटवीन में क्या होता है बीच में जगह आ जाता है, जो फ्लेक्स लाइन है इसके बीच में जगह आएगा, अराउंड में क्या होगा फ्लेक्स लाइन के अराउंड में जगह आएगा, और स्पेस इवेनली में क्या होता है सब में इक्वल्स स्पेसेस आएंगे, सही है। तो चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं फ्लेक्स लाइन्स क्या है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सारे वैल्यूज को अप्लाई किया गया और इसका आउटपुट दिखाया जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं हम लोग चलते हैं VS कोड में और सारे वैल्यूज को अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, और दूसरा चीज़ क्या देखते हैं फ्लेक्स लाइन क्या होता है इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो अभी देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है, हम क्या करते हैं अपने जो आइटम 2 के ऊपर जो हम फॉन्ट का साइज चेंज किए थे इसको करते हैं कमेंट आउट, तो अब देख सकते हैं अपना आइटम ऐसे दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं अलाइन आइटम को भी करते हैं कमेंट आउट, ओके। अब हम क्या करते हैं जो अपना अलाइन कंटेंट है इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं, और सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी क्या है स्ट्रेच, तो इसको लगा के देखते हैं। देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ओके। तो हम दूसरा वैल्यू इसके ऊपर लगाते हैं कौन सा था फ्लेक्स स्टार्ट। अब देखिए आप लोग बोलिएगा भैया अभी भी कोई चेंजेस नहीं आया, मतलब आप लोग आप कुछ भी बता रहे हैं, देखते हैं फ्लेक्स एंड करके क्या चेंजेस आ रहा है क्या।
अब देखिए कोई चेंजेस नहीं आया, क्यों चेंजेस नहीं आया? अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे फ्लेक्स्ड लाइन, अगर हम याद करें अलाइन आइटम में हम क्या बात कर रहे थे, आइटम्स को अलाइन किया जाता है क्रॉस एक्सिस के ऊपर, लेकिन जब अलाइन कंटेंट पढ़ रहे थे हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, फ्लेक्स्ड लाइन को अलाइन किया जाता है, फ्लेक्स्ड लाइंस को अलाइन किया जाता है। अब यहाँ पे फ्लेक्स एंड काम क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लेक्स लाइंस ही नहीं है। तो चलिए हम लोग फ्लेक्स लाइन क्रिएट करते हैं। अब कैसे क्रिएट होता है फ्लेक्स लाइन अभी दिखाते हैं। हम लोग क्या करते हैं एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं जिसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी, फ्लेक्स रैप जो प्रॉपर्टी है इसको लगाते हैं और इसको सेट करते हैं रैप। अब देखिए जैसे ही रैप सेट किए काम कर गया, ऐसा क्या हो गया रैप में, तो इसको करते हैं स्टार्ट और समझाते हैं ऐसा क्या हुआ रैप में। ओके यहाँ पे सेट किए, अब देखिए जैसे ही इसको छोटा किए आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे दो लाइन बन गया है, पहला लाइन दूसरा लाइन, इसी को बोलते हैं फ्लेक्स लाइन। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो फ्लेक्स लाइन है। तो जो अपना अलाइन कंटेंट वाला जो प्रॉपर्टी है फ्लेक्स स्टार्ट किसको किया, फ्लेक्स स्टार्ट में सेट फ्लेक्स लाइन को स्टार्ट में ले गया, क्रॉस एक्सिस के ऊपर फ्लेक्स लाइन को स्टार्ट में ले गया। लेकिन अपना अलाइन आइटम क्या करता है, अलाइन आइटम आइटम्स को स्टार्ट में ले जाता है। आप बोलिएगा भैया करके दिखाइए, ऐसे समझ में नहीं यार, तो अभी करके दिखाते हैं। हम क्या करते हैं जो अपना अलाइन कंटेंट है इसको करते हैं कमेंट आउट और इससे कमेंट हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपना आइटम में स्टार्ट में गया है, आप लोग देख रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अपना आइटम स्टार्ट में गया है क्रॉस एक्सिस के स्टार्ट में, फिर नीचे स्पेस आया फिर दूसरा आइटम यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन फ्लेक्स जो अलाइन कंटेंट था इसमें क्या हो रहा था, फ्लेक्स लाइन एक साथ यहाँ पे चला जा रहा था स्टार्ट में, लेकिन अगर फ्लेक्स अलाइन आइटम का बात करें तो यहाँ पे आइटम जाता है, अपना आइटम के ऊपर ऑपरेशन लगता है, जो भी है जो भी वैल्यू है आइटम के ऊपर काम करता है। अब होपफुली आप लोग को फ्लेक्स अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट में डाउट नहीं आएगा। अलाइन आइटम क्या करता है फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, अलाइन आइटम आइटम्स को अलाइन करता है, लेकिन अलाइन कंटेंट क्या करता है, अलाइन कंटेंट फ्लेक्स लाइन को अलाइन करता है। दो अलग अलग चीज़ है, आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग कमेंट आउट और यहाँ से शुरू करते हैं। तो देख लीजिए अपना फ्लेक्स स्टार्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्लेक्स लाइन है सब कुछ स्टार्ट में चला गया। ऐसा ही अपना दूसरा प्रॉपर्टी क्या है फ्लेक्स एंड, इसमें क्या हो रहा है जो भी फ्लेक्स लाइन है एंड की तरफ आ गया। ओके अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन क्या हो रहा है फ्लेक्स लाइन के बीच में स्पेस आ रहा है। अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पे अलाइन आइटम के तो ऊपर हम लगा नहीं सकते स्पेस बिटवीन, लेकिन यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अपने जो फ्लेक्स लाइन है इसके बीच में स्पेस आया, पहला लाइन और दूसरा लाइन इसके बीच में स्पेस आया। यहीं पे स्पेस अराउंड करेंगे तो क्या होगा, फ्लेक्स लाइन के अराउंड स्पेस आएगा, और स्पेस इवेनली करेंगे तो इवेन स्पेस आएगा, किसके ऊपर, अपने आइटम्स के ऊपर आएगा या फ्लेक्स लाइंस के ऊपर आएगा। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं, स्पेस बिटवीन देख लें, बीच में स्पेस आ रहा है किस एक्सिस के ऊपर, तो क्रॉस एक्सिस के ऊपर। ओके अब क्या आता है, अपना आता है स्पेस अराउंड, इसमें क्या होगा अपने फ्लेक्स लाइन के अराउंड स्पेस आ गया, लेकिन इक्वल स्पेस नहीं आया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कम स्पेस है और यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, इक्वल स्पेस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे स्पेस इवेनली, सही है। देखिए स्पेस इवेनली किए तो देखिए फ्लेक्स लाइन के अराउंड इवेन स्पेस आ गया, किस एक्सिस के ऊपर, तो क्रॉस एक्सिस के ऊपर। इतना बात आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक एक वैल्यू को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू सेट किया गया, देखिए यहाँ पे फ्लेक्स रैप को रैप सेट कर दिया गया, पहला वैल्यू सेट किया गया स्ट्रेच जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है तो ऐसा दिख रहा है, सही है। दूसरा वैल्यू सेंटर सेट किया गया तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी फ्लेक्स लाइन है सारा सेंटर पर आ गया। तीसरा अपना कौन सा वैल्यू है, फ्लेक्स स्टार्ट, इसमें क्या हुआ, जैसे फ्लेक्स स्टार्ट सेट किए सारा जो फ्लेक्स लाइन है कहाँ चला गया, स्टार्ट में चला गया। अभी यहाँ पे एक ही है अपना फ्लेक्स लाइन तो एक ही लाइन स्टार्ट में गया है। नीचे देखिए फ्लेक्स एंड में क्या हो रहा है, अपना जो फ्लेक्स लाइन है एंड में चला गया, और स्पेस बिटवीन में देख सकते हैं क्या हो रहा है, आइटम के बीच में स्पेस आ रहा है, जो भी अपना फ्लेक्स लाइन है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दो फ्लेक्स लाइन है तो दोनों फ्लेक्स लाइन के बीच में स्पेस आया है, दिख रहा है आप लोग को।
तीसरा अगर देखें स्पेस अराउंड में क्या हो रहा है, फ्लेक्स जो लाइन है इसके अराउंड में स्पेस आ गया। यहाँ पे स्पेस अराउंड सेट किए, स्पेस इवेनली सेट किए और हम लोग सब कुछ देख लिए। एक बार यहाँ पे पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट फ्लेक्स डायरेक्शन इज डिफॉल्ट। हाँ, हमेशा दिमाग रखिएगा यहाँ पे क्या है, हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन का छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन को छेड़छाड़ कर दे रहे हैं तो अगर सपोज अपना डायरेक्शन को कर दे रहे हैं कॉलम, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आइटम ऐसे अरेंज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अपना क्रॉस एक्सिस मेन एक्सिस अपना ए वाला बन जाएगा और क्रॉस एक्सिस ए वाला बन जाएगा, इसीलिए। तो इतना तो बात क्लियर है। इफ द फ्लेक्स डायरेक्शन इज चेंज देन क्रॉस एक्सिस विल ऑल्सो चेंज, सो द अप्लाइड वैल्यू विल नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर क्या होता है, अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है अपना क्रॉस एक्सिस चेंज हो जाएगा और जो भी हम लोग वैल्यू अप्लाई करें अच्छे से काम नहीं करेगा, सही है। ऑल्सो इफ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज बिटवीन अलाइन कंटेंट एंड अलाइन आइटम, लेट सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोगों को तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जानते हैं अलाइन कंटेंट क्या करता है, अलाइन आइटम क्या करता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अलाइन आइटम अपना क्या करता है, अपने आइटम जो होता है आइटम को ऊपर ऑपरेशंस लगाता है, आइटम के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। यहाँ पे आइटम्स को स्टार्ट में ले गया, लेकिन अपना जो अलाइन कंटेंट है ये क्या करता है, फ्लेक्स लाइन को स्टार्ट में ले जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं दो फ्लेक्स लाइन है, दोनों स्टार्ट में चला गया। एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। देखिए, द अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी डिटरमाइंस हाउ फ्लेक्स लाइन आर अलाइंड अलोंग द क्रॉस एक्सिस, व्हाइल द अलाइन आइटम प्रॉपर्टी डिटरमाइन हाउ फ्लेक्स आइटम आर अलाइंड विद इन द फ्लेक्स लाइन एंड अलोंग द क्रॉस एक्सिस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो अलाइन कंटेंट होता है फोकस किसके ऊपर करता है, कैसे फ्लेक्स लाइन अलाइन हो, और जो अपना अलाइन आइटम प्रॉपर्टी है क्या डिटरमाइन करता है, कैसे आइटम्स अलाइन हो क्रॉस एक्सिस को ऊपर, सही है। दोनों प्रॉपर्टी कहाँ काम करता है, दोनों प्रॉपर्टी अपना क्रॉस एक्सिस के ऊपर काम करता है। देखिए ध्यान से रखिएगा, अलाइन जो प्रॉपर्टी है, अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट किसके ऊपर काम करता है, क्रॉस एक्सिस के ऊपर काम करता है। जो अपना जस्टिफाई कंटेंट था किसके ऊपर काम कर रहा था, अपने मेन एक्सिस के ऊपर काम कर रहा था। क्लियर बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए अपना क्या आगे अपना एक नया प्रॉपर्टी गैप, रो गैप एंड कॉलम गैप। ऑल टुगेदर बात करें तो हम गैप प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं और फिर हम लोग वीएस कोड में चलेंगे और इसके ऊपर हैंड्स ऑन करेंगे। द गैप प्रॉपर्टी एक्सप्लिसिटली कंट्रोल्स द स्पेस बिटवीन फ्लेक्स आइटम, इट अप्लाइज दैट स्पेसिंग ओनली बिटवीन आइटम नॉट ऑन द आउटर एजेस। गैप इज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ रो गैप एंड कॉलम गैप। द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द गैप इज फॉर रो एंड द सेकेंड वैल्यू फॉर प्रॉपर्टी इज फॉर कॉलम। इफ वी गिव ओनली वन वैल्यू देन दैट गेट अप्लाइड इन बोथ रो एंड कॉलम। इफ यू वॉन्ट ओनली टू एड गैप इन कॉलम और रो गो फॉर कॉलम गैप एंड रो गैप रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो अपना यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, कौन सा, एक है अपना रो गैप और दूसरा अपना कौन है, दूसरा है अपना कॉलम गैप। रो गैप से क्या होता है, रो गैप जो प्रॉपर्टी है एक्सप्लिसिटली आपको रोज के ऊपर जो भी, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने रो है, यहाँ पे हैं तीन रोज, सही है। तो रो गैप आप रोज के बीच में गैप प्रोवाइड करता है एक्सप्लिसिटली, आप रोज के बीच में आप गैप ला सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एजेस के ऊपर नहीं आएगा, देखिए रो यहाँ पे जितने रो हैं फ्लेक्स बॉक्स के अंदर उसके ऊपर, उसके अंदर हम लोग गैप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए एज के ऊपर गैप नहीं आ रहा है, देख रहे हैं ना। अब दूसरा इसी का जो प्रॉपर्टी है वाइस वर्सा, कॉलम गैप। कॉलम गैप क्या करता है, यहाँ पे देख सकते हैं दो कॉलम है अपना, तो कॉलम के बीच में गैप प्रोवाइड करता है एक्सप्लिसिटली, कॉलम के बीच में गैप प्रोवाइड करता है, एजेस पर गैप नहीं आते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हम लोग एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं गैप, जिसका पहला वैल्यू जाएगा रो के लिए और दूसरा वैल्यू जाएगा कॉलम के लिए। अगर सपोज आप एक ही वैल्यू एंट्री देते हैं, लेट से 5 पिक्सल, तो क्या होगा, दोनों जो 5 पिक्सल है रो और कॉलम के ऊपर दोनों जगह लग जाएगा, सही है। तो चलिए एक बार देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं क्या चल रहा है। तो चलिए हम लोग कहाँ चलते हैं, हम लोग चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। कहाँ रहा अपना VS कोड, यहाँ रहा अपना VS कोड। हम लाते हैं अपने क्रोम ब्राउजर को, ओके इतना सही है, सॉरी क्या कर रहे हैं, इसको करते हैं इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट क्यों किया, क्योंकि हम चाहते थे करना,
ओके रैप रहने देते हैं, रैप रहने से क्या होगा हम लोग को एक्स्ट्रा कॉलम्स मिल जाएगा, सही है ना। ओके तो हम लोग कौन से प्रॉपर्टी देखने वाले थे, हम लोग देखने वाले थे गैप प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले लगाते हैं रो गैप, रो गैप को करते हैं 2 पिक्सल। अब देखिए गैप कहाँ पे आ रहा है, देखिए आप 20 पिक्सल किए, अब देखिए रोज के बीच में यहाँ पे गैप आना शुरू हो गया। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है जैसे जैसे हम चेंज किए यहाँ पे क्या हुआ, पहला रो दूसरा रो इसके बीच में गैप आया है, देख रहे हैं। ओके अब दूसरा अपना प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है अपना कॉलम गैप। देखिए कॉलम गैप लगाने से क्या होता है, यहाँ पे लगाएं कॉलम गैप, इसको भी किए 20 पिक्सल। अब देखिए कॉलम गैप 20 पिक्सल किए हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हुआ, यहाँ पे कॉलम्स के बीच में 20 पिक्सल का यहाँ पे गैप आया है, 20 पिक्सल का जो गैप आया है कॉलम्स के बीच में आया है। अब देखिए दोनों प्रॉपर्टी को हम कंबाइंड कर सकते हैं, कैसे दिखाते हैं अभी कैसे कर सकते हैं। आप दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइंड करने के लिए आप यहाँ पे लगाइए गैप प्रॉपर्टी और इसको कर दीजिए 20 पिक्सल। अब देखिए इससे भी सेम आउटपुट आएगा, लेकिन 20 पिक्सल से क्या हुआ, जो अच्छा तरीका है इसको लिखने का क्या करते हैं, 20 पिक्सल स्पेस 20 पिक्सल ऐसे लिखिए। अब इसको आप 40 पिक्सल करके देखिए, तो देखिए कॉलम्स के बीच में ज़्यादा गैप आ गया। पहला वैल्यू किसके लिए, पहला वैल्यू है रो के लिए, दूसरा वैल्यू है कॉलम के लिए। तो जैसे 20 पिक्सल यहाँ पे लिखे गैप, तो क्या हुआ जो अपने रो के बीच में है इसके बीच में 20 पिक्सल का गैप आया, और जैसे ही 40 पिक्सल लिखे क्या हुआ अपने कॉलम्स के बीच में गैप आ गया। तो इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या करते हैं आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम और भी फ्लेक्स बॉक्स के और भी प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। तो क्या करते हैं एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं और आज के लिए एंड करते हैं। तो आज हम लोग पढ़े जस्टिफाई कंटेंट के बारे में। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता, जो भी अपना फ्लेक्स आइटम है इसको मेन एक्सिस के ऊपर अलाइन करने में हेल्प करता है। तो जब जस्टिफाई कंटेंट हम लोग पढ़ लिए थे तब हम लोग पढ़े थे क्या, अलाइन आइटम पढ़े थे, सही है। अलाइन आइटम्स क्या करता है एक बार इन क्लियर करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे अलाइन आइटम्स के बारे में। अलाइन आइटम क्या करता है, जो आइटम्स है फ्लेक्स बॉक्स का या फ्लेक्स कंटेनर का जो आइटम है उसको क्रॉस एक्सिस के ऊपर अलाइन करता है, आइटम्स को क्रॉस एक्सिस के ऊपर अलाइन करता है। इसी के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग इसी के बाद पढ़े थे अलाइन कंटेंट नाम का। अलाइन कंटेंट क्या करता है, अलाइन कंटेंट जो है आइटम्स को क्रॉस एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे देखिए अलाइन कंटेंट क्या करता है, जो अपना क्रॉस एक्सिस है इसके ऊपर फ्लेक्स लाइन को अलाइन करने में हेल्प करता है। इसके बाद अलाइन कंटेंट के बाद हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे गैप के बारे में, गैप के बारे में अच्छे से देखे थे, रो गैप क्या होता है, कॉलम गैप क्या होता है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।